हरियाणा बोर्ड एडमिट कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कौन कौन सी चीजें हमको ध्यान रखनी है, आज की वीडियो में एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा बोर्ड के एग्जाम्स की डेट शीट जारी हो चुकी है। 27 फरवरी से एग्जाम शुरू हैं और अप्रैल तक चलने वाले हैं। 10th क्लास के मार्च में खत्म हो जाएंगे, लास्ट में 12th क्लास के अप्रैल तक चलेंगे। बात करता हूँ एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, तो देखिए डेट शीट आपकी रिलीज हुई उसमें आपकी 27 फरवरी से परीक्षाएं शुरू हैं। अब यहाँ पर बोर्ड क्या करता है और हर एक बोर्ड क्या करते हैं कि आपके एग्ज़ाम से लगभग 10 से 15 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र यानी कि रोल नंबर जारी करते हैं। रोल नंबर दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं यहाँ पर ओपन बोर्ड के, एक होते हैं रेगुलर यानी कि जो स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके। तो ओपन बोर्ड के जो एडमिट कार्ड होते हैं वो यहाँ पर ऑफिशियल वो खुद डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट है जो स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिट कार्ड वो खुद डाउनलोड नहीं कर सकते, वो स्कूल में आते हैं, उनको स्कूल से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं स्कूल से, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ते हैं। अब कोई फीस जमा नहीं करवाए, पूरे साल पढ़ लिया, एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया, रिजल्ट आ गया, पेपर दे दिए, सब कुछ हो गया और स्कूल का बैठे बैठे मोए मोए हो गया। तो इसीलिए स्कूल जो है अपनी फीस निकलवाने के लिए अगर किसी ने फीस जैसे जमा नहीं करवाई हो तो एडमिट कार्ड वो अपने पास रखता है, यानी कि एडमिट कार्ड तभी देता है जब फीस जमा हो जाती है। तो यहाँ पर स्कूल का मोए मोए ना हो इसीलिए यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है आपके रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं यानी जो स्कूल जाने वाले हैं उनके स्कूल में आते हैं और ओपन वालों की वेबसाइट पे आते हैं। अब बात करते हैं कब तक आएंगे, तो देखिए बोर्ड जो है अब स्कूल्स में 2-4 दिन के अंदर अंदर जब ये आप वीडियो देख रहे हैं आपके एडमिट कार्ड भेज देगा। उसके बाद स्कूल जो है आपको आपके एग्ज़ाम से लगभग 10 या 12 दिन पहले एडमिट कार्ड दे देता है। कुछ एक स्कूल जो है वो यहाँ पर 1 वीक पहले देते हैं, तो ये फिर स्कूल पे डिपेंड करता है, लेकिन एडमिट कार्ड जो है वो आपके 10 फरवरी के बाद बोर्ड अपनी तरफ से भेज देगा। बात करता हूँ यहाँ पर ओपन बोर्ड की, तो ओपन बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिट कार्ड जो है वो वेबसाइट पे आएंगे। अब वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे, वो थोड़ा सा लेट आते हैं, यानी कि रेगुलर के तो स्कूल में भेजने हैं, स्कूल में भेजेंगे पहले, फिर स्कूल जो है उनको डाउनलोड करेगा, फिर स्टूडेंट्स को बांटेगा, तो इसमें टाइम लगता है। लेकिन जो ओपन बोर्ड के हैं वो डायरेक्ट एक दिन अपलोड करने हैं वेबसाइट पे, तो वो यहाँ पर थोड़े से लेट हो जाते हैं। तो वो जो है यहाँ पर आपके 15 फरवरी या उसके बाद आसपास देखने को आपको मिलेंगे, समझ गए। यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिट कार्ड आपके 10 फरवरी के बाद स्कूल्स वगैरह में भेज दिए जाएंगे। 12 को भेजें, 13 को भेजें, कब भी भेजें वो मैं आगे आगे अपडेट आएगी तो बता दूंगा, लेकिन ये जो है एक टेंटेटिव डेट है, यानी कि इसमें 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने जो है आपको एक स्ट्रिक्ट यहाँ पर जो है गाइड दे दिया है कि भाई आपके 10 फरवरी के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। वहीं बात करूँ ओपन की, तो उनके भी मैंने बता दिए हैं। अब जब एडमिट कार्ड आते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, कई बार स्टूडेंट का एग्जाम भी छूट जाता है, कि एडमिट कार्ड जो है जब भी आपके टीचर्स दें आपको, यानी कि स्कूल से मिले या फिर आप खुद वेबसाइट से डाउनलोड करें, यानी कि चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे आप ओपन के स्टूडेंट हो, आपको एडमिट कार्ड जब भी आपके हाथ में आए पूरा का पूरा थ्रू आउट चेक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ इस वीडियो की, सबसे इंपॉर्टेंट, एडमिट कार्ड चेक करे बिना मत लेना, चेक करना। कोई गलती हो स्कूल में, जैसे स्कूल टीचर ने अभी बांटे हैं तो वहीं की वहीं उसको जो है बता देना, टीचर को प्रिंसिपल को, उनके ही यहाँ पर जो है हाथ में वो ठीक करवा देंगे, समझ गए। क्योंकि कई बार गलतियाँ होती हैं और आप ऐसे ले के रख लेते हो, पेपर वाले दिन 27 फरवरी को एडमिट कार्ड लेके जाओगे सेंटर पे, वहाँ पर वो गलती अगर सेंटर पे चेकिंग वाले ने पकड़ ली, सेंटर पे चेकिंग होगी तुम्हारी, तो वहीं पर वो जो है फिर पेपर देने से नाट जाते हैं। तो इसीलिए ये गलती तुम्हें पहले ही बता दी है कि नहीं करनी है। आपको अपना एडमिट कार्ड जब भी मिले आपको चेक ज़रूर करना है, ये इम्पोर्टेंट है। मिलने का इम्पोर्टेंट नहीं है, चेक करना इम्पोर्टेंट है, चेक करके ही आपको रखना है। पिछले सालों का बताऊं तो यहाँ पर एक स्टूडेंट था, उसके फादर्स नेम में गलती थी, फिर वो जाके ठीक करवाया उसने, तो इससे क्या होता, ठीक तो हो गया वो, उसने एग्ज़ाम भी दे दिया, लेकिन उसकी भागदौड़ हो गई। अब एग्ज़ाम टाइम में एक तो वो पढ़ता और एक वो बोर्ड गया वहाँ ठीक करवाया, ये करवाया, तो इसीलिए तुम ये परेशान ना हो, तुम्हें ये परेशानियाँ ना हो, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी एडमिट कार्ड तुम्हें मिले तो उसको चेक करके रखना है, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, वरना जो है आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। और एडमिट कार्ड का मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि अब जो है 1-2 दिन में यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी कन्फर्म, और फिर जो है स्कूल से भेज दिए जाएंगे, स्कूल से आपको मिल जाएंगे, स्कूल जो है वो अपने बेसिस पर आपको बांट देता है, ओपन बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाएंगे वो लोग जो है अपना यहाँ पर ID पासवर्ड डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिट कार्ड में कोई गलती हो तो आप बता ही देना, मुझे भी कमेंट कर देना कि भाई ये गलती, मैं आपको बता दूंगा कि भाई तुम्हें क्या करना है। और गलतियाँ क्यों होती है, जब आपके फॉर्म भरे जाते हैं तब तुम गलतियाँ कर देते हो, इसी वजह से एडमिट कार्ड में गलतियाँ आ जाती हैं, तो तुम्हें फॉर्म भरते टाइम ही सही से करना चाहिए। लेकिन चलो वो बात अब छोड़ो, पास्ट की बात है, अब जो है आने वाला टाइम हमें देखना है, तो वो एडमिट कार्ड जो है उसमें गलती अगर मिलती है तो आप ठीक करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत एडमिट कार्ड लेके सेंटर पे मत चले जाना, ये इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि सेंटर पे चले गए उस दिन, फिर जो है इतना टाइम नहीं है कि तुम जो है ठीक करवाओगे, उस दिन फिर पेपर देने ही नहीं देंगे। तो इसीलिए पहले ही अपना चेक करके रखो, एक दो कॉपी करवा के रखो, कई बार फट जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग जैसे कोई नई अपडेट आती है फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।